आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। भू कानून को लेकर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया बड़ा बयान, कही ये बड़ी बात। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भू कानून को बताया जरूरी, कहा मजबूत भू कानून की कमी से बाहरी लोग जमीनों पर कर रहे कब्जा। उत्तराखंड में सैलो अर्थक्वेक, बड़े भूकंप की चेतावनी, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता, वीक जोन की खोज शुरू। उत्तराखंड में सैलो भूकंप आ रहे हैं, जिससे बड़े भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है। उधर भू वैज्ञानिकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में महसूस हो रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप आने से पहले की चेतावनी हो सकती है, जिससे ने भू वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में वैज्ञानिकों ये जानने की कोशिश में जुट गए हैं कि हिमालय में भूकंप आने का वीक जोन कहाँ पर है, किस जगह पर धरती के अंदर दबाव ज़्यादा बन रहा है। हथियार के बल पर बनाया बंधक, घर में की लूटपाट, कार लेकर फरार हुए ये बदमाश। खानपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में बदमाशों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने घर में रखे सोने चांदी व नकदी पर हाथ साफ किया। आखिर में बदमाश धमकी देते हुए आल्टो कार लेकर मौके से नीलांग गांव में 62 साल बची मोबाइल की घंटी, बीएसएनएल की मोबाइल सुविधा शुरू। नीलांग गांव में आज से बीएसएनएल की मोबाइल सुविधा शुरू हो गई है। आईटीबीपी के जवानों समेत स्थानीय लोग संचार से जुड़ गए हैं। चीन सीमा पर स्थित नीलांग गांव में बुधवार से मोबाइल की घंटी बजने लगी है। अभी तक नीलांग क्षेत्र में संचार की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे आईटीबीपी और सेना के जवान सैटेलाइट फोन के जरिए अपने परिजनों से संपर्क करते थे, जिसकी कॉल दर काफी महंगी पड़ती थी। नीलांग में बीते 2 अक्टूबर से बीएसएनएल के टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आईटीबीपी के हिमवीर और सेना के जवानों ने बीएसएनएल का आभार जताया है। माहौल बिगाड़ने वाले पर हरिद्वार पुलिस का एक्शन केस किया दर्ज, एसएसपी ने दी चेतावनी। हरिद्वार में यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भड़काऊ शब्दों का उपयोग करने वाले अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रुद्रप्रयाग जिले को सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात, भू कानून को लेकर कही बड़ी बात। सीएम धामी ने लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान में किया प्रतिभाग। 195 करोड़ से अधिक की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। रुद्रप्रयाग में घास काटते वक्त महिला के ऊपर गिरे पत्थर, दर्दनाक हुई मौत। रुद्रप्रयाग में जंगल के ऊपरी हिस्से से पत्थर गिरने का मामला सामने आया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो दौड़ने की उम्मीद, शुरू हुआ सर्वे, ट्रांसपोर्ट को लेकर ली जा रही राय। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच होना है सर्वे, अब तक 500 से अधिक लोगों की राय ली गई। हरिद्वार ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो रेल चलने की उम्मीद फिर से जाग रही है। उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हरिद्वार ऋषिकेश तपोवन के बीच सफर करने वाले लोगों से राय जानने के लिए सर्वे करना शुरू किया है। सर्वे करने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी UMTC को दी गई है। इस कंपनी के 20 कर्मचारी श्यामपुर, कोयल घाटी, तपोवन और देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिद्रवाला में मेट्रो रेल को लेकर लोगों से राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही हरिद्वार ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो चलेगी। अब खुद मंत्री धन सिंह रावत हर 2 दिन में करेंगे अस्पतालों का निरीक्षण, लापरवाही पर होगा कड़ा एक्शन। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने की कवायद, खुद मंत्री धन सिंह रावत अस्पतालों को करेंगे निरीक्षण, लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर होगी कार्रवाई। 25 अक्टूबर को देहरादून में गौध्वज यात्रा, अभिमुक्तेश्वरानंद करेंगे शिरकत, महासभा को करेंगे संबोधित। 6 प्रदेशों की राजधानियों में पहुंचेगी गौध्वज यात्रा, गौ भक्तों ने को किया जाएगा सम्मानित। वन स्टॉप सेंटर दिला रहा न्याय, इंसाफ के लिए नहीं भटक रही ये महिलाएं, जानिए कैसे ली सकती है मदद। उत्तराखंड में वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को मिल रहा न्याय, अब तक 1000 से ज्यादा पीड़ितों की हो चुकी मदद।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा समेत तमाम अपराधों से निपटने के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। इन वन स्टॉप सेंटर के जरिए किसी भी तरह से पीड़ित महिला बिना पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाए घर बैठे आसानी से मदद ले सकती है। वन स्टॉप सेंटर किस तरह से काम करता है और कैसे एक आम महिला सरकार की ओर से दी रही 24/7 इस योजना का लाभ उठा सकती। ऋषिकेश घूमने आए पर्यटक की पिटाई से की गई जान, यमकेश्वर के 5 युवक गिरफ्तार। ऋषिकेश में दिल्ली के पर्यटक की पिटाई से मौत, हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, उप प्रधान समेत 3 लोग फरार। सिक्योरिटी गार्ड के डंडे से पीट पीट कर हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। रुड़की में एक सिक्योरिटी गार्ड की अज्ञात व्यक्ति ने डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। टनकपुर में रेलवे की जमीन खाली कराने को लेकर बुलडोजर एक्शन, ढहाए गए होटल और रिक्शा स्टैंड। चंपावत के टनकपुर में रेलवे भूमि खाली कराने को लेकर एक्शन, बुलडोजर से ढहाए होटल और रिक्शा स्टैंड, अतिक्रमणकारियों ने मचा हड़कंप। कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के दोषी को सुनाई 3 साल की सजा और लगाया अर्थदंड। कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। रुद्रपुर में पुलिस इंस्पेक्टरों के बम्पर तबादले, यहां देखें लिस्ट। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने 6 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया, साथ ही एसएसपी ने सभी निरीक्षकों को जल्द कार्यभार लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। करोड़ों की लागत से बने मिनी सचिवालय पड़े वीरान, अधिकारी दे रहे ये दलील। उत्तरकाशी में मिनी सचिवालय का लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार ने इन्हें बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं।